फ्यूचर की कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजी। नंबर वन, यहाँ पर दोस्तों अभी कोरोना टाइम में मास्क पहनना कंपलसरी है, और जो जो मास्क के साथ सनग्लास यूज करते हैं उनके सनग्लास में हमेशा भापसी या फॉग जमा हो जाता है। लेकिन सिंगापुर की रिसर्चर्स ने वर्ल्ड का फर्स्ट एक ऐसा न्यू सनग्लास बनाया है जो कि है एंटी फॉगिंग सनग्लास, जिसमें कि फॉग जमा नहीं होता है। इसमें एक ऐसा कोटिंग ऐड किया गया है कि ये फॉग को ग्लास में जमा होना नहीं देता है। ये उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा जो कि मास्क के साथ सनग्लास यूज करते हैं। नंबर टू, यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा फोटो कैप्चर करता है उसमें बड़ा रोल होता है लेंस का। लेंस के बिना कैमरा अच्छे से फोटो कैप्चर नहीं कर पाएगा। कभी कभी तो कैमरा जितने का होता है इससे ज़्यादा कीमत लेंस होता है। लेकिन जापान की टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा न्यू कैमरा बनाया है जो कि लेंस के बिना फोटो कैप्चर कर पाएगा। मतलब उसको किसी भी फोटो कैप्चर करने के लिए लेंस की जरूरत नहीं है, जो कि एक बड़ा ब्रेकथ्रू है। क्योंकि इमेज के हिसाब से हमको कैमरा का लेंस को भी चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कैमरा निकालो और फोटो कैप्चर करो। नंबर थ्री, यहाँ पर दोस्तों आप सभी ऑटोनॉमस कार को देखा है, लेकिन अभी जापान ने वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनॉमस शिप चालू किया है, और उन्होंने इस शिप को 240 किलोमीटर तक के 48 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में ऑटोनॉमस पे चलाया है। ये जो शिप है उसकी लंबाई है 222 किलोमीटर। आपको इस ऑटोनॉमस शिप के बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताएं। नंबर फोर, यहाँ पर दोस्तों जो सोलर पैनल होता है इसमें हम नेचुरल एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये जो सोलर पैनल है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर देता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा न्यू सोलर पैनल बनाया है जो कि पानी के ऊपर लगा सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी वो कोलकाता पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया है, जो कि एक बड़ा ब्रेकथ्रू है। क्योंकि हमारी पृथ्वी में 75% ऑफ वाटर है, तो जमीन नहीं मिला तो पानी में ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। नंबर फाइव, यहाँ पर दोस्तों सबका एक क्वेश्चन है कि मरने के बाद क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने मरने के 30 सेकंड बाद और पहले हमारे माइंड में क्या होता है वो रिकॉर्ड किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो साइंटिस्ट ने एक 87 साल की ओल्ड मैन को लिया जो कि मरने वाला था। जब वो मर गया तो 30 सेकंड के बीच में माइंड क्या कहता है वो रिकॉर्ड किया गया। तो ये पता चला है कि मरने के टाइम आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ड्रीम देखने से या मेडिटेशन करने से जैसे लगता है, और मरने के बाद 900 सेकंड तक आपका माइंड एक्टिव रहता है और 30 सेकंड तक आपका माइंड सिग्नल देता रहता है। आज के लिए इतने। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। फिर इन वीडियो में किसी को भी क्लिक कर और मजा लो।